नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, शास्त्रों में भोलेनाथ बहुत ही भोले बताए गए हैं। इस बात का प्रमाण तमाम वो प्रसंग है जिनमें भोलेनाथ ने देवताओं ही नहीं बल्कि दानवों तक की जरा सी पूजा अर्चना करने पर उन्हें मनचाहा वरदान दे दिया। यही कारण है कि हर कोई भोलेनाथ को रिझाने में लगा रहता है ताकि इनसे अपनी मनोकामना पूरी करवाई जा सके। मगर ऐसा नहीं है। भगवान शंकर केवल प्रसन्न ही नहीं बल्कि क्रोधित भी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें वर्णित है जिनके प्रयोग करने से भोले भंडारी जल्द प्रसन्न होते हैं। अब ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसके विपरीत ऐसी भी कुछ चीजों का वर्णन किया गया है जिनका इनकी पूजा में उपयोग करने का मतलब है शिव जी को क्रोध दिलवाना। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। जैसे इन्हीं में से एक है शंख। हिंदू धर्म के ग्रंथों में इससे जुड़ा तथ्य लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल वर्जित है। दोस्तों, अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, शिव पुराण में दंभ के पुत्र शंखचूड़ का उल्लेख मिलता है जो अपने बल के चलते तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा और साधु संतों को सताने लगा, जिसका वध भगवान शिव ने किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंखचूड़ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का भक्त था। भगवान विष्णु ने इसकी हड्डियों से शंख का निर्माण किया, इसलिए भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं को शंख से जल अर्पित किया जाता है। लेकिन क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया था तो यही कारण है कि शंख भगवान शिव की पूजा में आज तक वर्जित है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी बिना स्नान किए आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। भगवान शिव की पूजा में जब आप भोग लगाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि प्रसाद कभी भी शिवलिंग के ऊपर ना रखें, हमेशा किसी पात्र में रखकर ही शिवलिंग को प्रसाद चढ़ाएं और उसे शिवलिंग के पास रख दें, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि हमेशा आधी परिक्रमा करें, अर्थात परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करें और जहां से भगवान को चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है वहां तक आकर वापिस आ जाएं और फिर विपरीत दिशा में जाकर शिवलिंग के दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा को पूरा करें। शिव जी की यही परिक्रमा स्वीकार की जाती है और परिक्रमा आपको जरूर लगानी चाहिए क्योंकि पूजा के बाद परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव जी की पूजा में कभी भी चमेली, चंपा, कुंद, जूही, केसर आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि ये फूल शिव जी को प्रिय नहीं होते। खासकर केतकी का फूल चढ़ाने की गलती तो भूल से भी ना करें। केतकी के फूल को भगवान शिव का श्राप प्राप्त है, इसी कारण केतकी का फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। क्या आपको पता है कि केतकी के फूल को श्राप क्यों मिला था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, शिव जी को हमेशा शम्मी, आग, पलाश आदि फूल अर्पित करना चाहिए। शिव जी की पूजा में अक्षत यानी चावल के दानों का प्रयोग बहुत ही जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि टूटा हुआ यानी खंडित चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को इस दिन फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहनें। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजन और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।